हेलो हाय नमस्कार सलाम, मैं आकिब रजा न्यूज प्लस से। और आज हम बात करेंगे कि जम्मू में एक बड़े साजिश को अंजाम देने से बीजेपी जो है असफल रही है। अब बीजेपी का नाम इसमें क्यों आ रहा है, तो बीजेपी मोर्चा के आईटी सेल के जो हेड है जम्मू प्रांत के, जो नाम बताया जा रहा है, बीजेपी के दरअसल आईटी सेल के हेड थे वो जम्मू के। ये कनेक्शन जो है बहुत ही बड़ी थी और इस पर आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश थी। इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। पूरा मामला आज की खबर स्टोरी में। जम्मू काश्मीर के प्रांत के जिले में लश्कर के दो आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आतंकी बीजेपी आईटी सेल मोर्चा के हेड बताया जा रहा है। इस पर बीजेपी प्रवक्ता रणवीर सिंह का एक्सप्लेनेशन आया। उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि इसमें पार्टी की सदस्यता जो है ऑनलाइन के माध्यम से की जा रही है, जिस पर कई लोगों का इस पर गलत तरीके से इसमें सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, जिसपे हमारे पार्टी का ताहिर हुसैन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ताहिर हुसैन 9 मई को पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद 27 मई को उन्होंने पार्टी की सदस्यता से अपने इस्तीफा दे दिया था। इस पर रणवीर सिंह का ये बयान आया कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से जो है इसमें सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। जिसके पीछे उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जिस पार्टी जो है ऑनलाइन के माध्यम से किसी भी लोग की जो है सदस्यता दे देते हैं, ये पता करने में असक्षम होते हैं कि जो पार्टी है या किसी व्यक्ति जो आ रहे हैं उनकी क्या विचारधारा है, और हमारे तरफ से इसमें किसी भी तरीके से लिंक नहीं बताया जा रहा है। रणवीर सिंह के इस बयान पर पार्टी विपक्ष जो है लगातार हमलावर हो रही है। इस पर कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि देश में जो चल रहे विवाद और कन्हैया लाल की किस तरीके से हत्या के पीछे जो है रियाज अत्तारी का कनेक्शन किस तरीके से जो है बीजेपी से था, जिसने मार्मिक तरीके से जो कितने बड़े अंजाम को जो उसने अंजाम दिया कृत्य को। इस पर कीर्ति आजाद ने आगे बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आतंकी संगठन से जो है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बीजेपी का लिंक है, जो पूरे देश में जो है फैलाने का कोशिश कर रही है। इस पर आगे भी जो है विपक्ष लगातार जो है हमलावर हो रहे हैं और किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। वही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने भी भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ा है, और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है जो देश में लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि किस तरीके से न्यूज़ पर लगातार जो है कर्नाटका और मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाना, किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश में जो है दंगा करवाना, उनके पार्टी का बयान देना, किस तरीके से पूरे देश में आपको देखने को मिला। उस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने इस पे जांच की मांग करते हुए लगातार सरकार को घेरते उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हर जगह जांच होनी चाहिए कि कितने आतंकी संगठनों से इस पार्टी का जो है टाइप है। इससे पहले उदयपुर कांड पर भी उन्होंने जो है बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उदयपुर कांड में भी किस तरीके से आपने देखा और सुना कि रियाज अत्तारी जो है भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति था। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत। मैं आकिब रजा, अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, कमेंट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कमेंट करें। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।